खबरों में बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। हम लोग लुधियाना शहर में फंसे हुए हैं, हम लोगों को कोई हेल्प नहीं हो रहा है, यहाँ पुलिस वाले डंडे मारते हैं। हम लोग लुधियाना में करीबन 5 साल से काम करते हैं, यहाँ पे 5-6 महीने से यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन अब फैटिक वाले भी पैसे खाने के लिए भी नहीं दे रहे हैं। लुधियाना काली सड़क में फंसे हुए हैं, यहाँ के चौकी पड़ता है जोधेवाल बस्ती में जाते हैं तो नहीं राशन मुहैया करा रहे हैं, नहीं कोई चीज़ के साधन दे रहे हैं। वहाँ से बस खुलती है स्टेशन के लिए तो वो कहता है जिसको रजिस्ट्रेशन हुआ है वही जा सकता है, तो हम लोग 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो यहाँ के सरकार कह रही है से 3 मैसेज गिरेगा, तो हम लोगों को 2 मैसेज गिर चुका है, 3रा मैसेज नहीं गिर रहा है। 1 तारीख से आज 20 तारीख हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग 10 बंदे से यहाँ फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, 3-4 दिन खाने ने बेगर हो गया, हम लोग ऐसे तो मर जाएंगे। इससे अच्छा हम लोगों को अलाउ करे इनकाउंटर रोड पर करा दें। हम लोगों के शिवहर के वासी हैं, हम लोग यहाँ जितना मजदूर फंसे हुए हैं सब शिवहर के वासी हैं। यहाँ पे ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना यहाँ के सरकार सुन रही है। यहाँ के सरकार कहते हैं अपना बिहार के राज्य से मदद मांगो, तुम लोग बिहार में का नंबर दिया है पटना के, हम लोगों के बिहार के राजधानी पटना पड़ता है, बिहार के पटना के राजधानी में फ़ोन करो, राजधानी पटना में हेल्पलाइन दो दोनों हेल्पलाइन नंबर पंजाब सरकार दिया है। झारखंड से भी बात हुई है थी तो झारखंड के एक बार कॉल करो तो उठा लेते हैं, वो कहते हैं पटना में करो, आपका पटना में सुनवाई होगी, लेकिन पटना से कोई सुनवाई नहीं होता है। 4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, 1 दिन कॉल रिसीव किए तो वो कहे आपका हम कंप्लेन दर्ज कर दिया हूँ, लेकिन कोई साधन नहीं हो रहे हैं यहाँ से। 4 दिन हम लोग 4 दिन में एक दिन 4 दिन में एक दिन हम लोग मांग चांग के खाना खाया वहाँ पे, ये देखिए हम लोगों के डंडे मार मार के क्या हाल करके रखे हुए हैं यहाँ के पुलिस वाला। लेकिन हम लोग शिवहर के हैं, बिहार वासी हैं, लेकिन कोई हल नहीं हो पा रही है। हम लोगों को कुछ मदद आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, घर बुलाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ऐसे कोरोना कोरोना के नाम सरकार डाल के बैठा है। ऐसे तो मजदूर कोरोना से नहीं, जितना मजदूर मर रहा है वैसे तो भूखमरी से मर जा रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं तो रोड पे पुलिस वाले मार रहे हैं, हर जगह पे पुलिस वाले खड़े हैं, हर जगह पे पुलिस वाले मार रहे हैं। लोकल बंदे के तो कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे मजदूर फंसे हुए हैं वो अगर भूखे प्यासे भी रोड पे घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे मार रहे हैं पुलिस वाले घेर घेर के। कोई कितना कष्ट से ट्रक व्यवस्था कर रहा है, ट्रक से जाना चाह रहा है, ऐसे घर पे किराया दूंगा तो भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो सरकार ये साधन तो करे, ये ट्रेन के जो साधन किए हैं सरकार वो मैसेज 100 में 99% आदमी के मैसेज थोड़ी गिर रहे हैं, 100 में 50% के गिरे हैं। 1 तारीख के हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, आज 20 तारीख हो गए शिवहर जिला के, लेकिन शिवहर सीतामढ़ी वाले के लिए रोज़ गाड़ी जा रही है, लेकिन दूसरे स्टेशन के बंदे भर के जा रहे हैं वहाँ पे। सीतामढ़ी में उतरते हैं दूसरे स्टेशन के, सीतामढ़ी से उसको दूसरे जगह पे भेज रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। जिसके पास पैसे है वही यहाँ पे इस दुनिया में जी सकते हैं, बाकी मजदूर को तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इससे अच्छा हम लोगों को ये कहे आत्महत्या कर लो, चाहे पुलिस वाले को छूट दे दे से जहाँ रोड पे दिखता वहाँ एनकाउंटर कर दो। ऐसे हम लोग क्या कितने दिन जिएंगे, 20 रोज हो गए, 2 महीने 20 रोज रजिस्ट्रेशन कराए हुए, 2 महीना होने वाली है लॉकडाउन के, 2 महीने में कहाँ से मजदूर, 1 दिन कमाता आज कमाता है तो कल खाने के लिए रहता है, 2-2 महीने सरकार कहती है पैसे दे रहा हूँ, राशन के हेल्प करवा रहा हूँ, पंजाब सरकार राशन दे रही है, राशन के लिए यहाँ पे भैये के जितना नहीं राशन मिला है उतना पंजाबी के मिला है, भैये के राशन कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर है राशन वाले 1905 पे कॉल करने के लिए कहता है, सुबह से उठ के शाम तक करते रहो फिर भी नहीं लगते हैं, अगर लग भी गए तो आवाज़ ही सुन के भैये के काट दिया जाता है, नहीं मैसेजे नहीं गिरता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग शिवहर के बहुत आदमी शिवहर सीतामढ़ी के यहाँ फंसे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, कहता ट्रेन में जाना है भाई तो पैसे दो, खुल्लम खुल्ले कहते हैं। डरेसी में आप मीडिया वाला के भेज के देखिए,
अगर मीडिया वाले आधे घंटे के लिए आता है तो आधार कार्ड से शुरू कर देते हैं, आधे घंटे में 10 बंदे मुश्किल से घिंच पाते हैं, और उसके बाद मीडिया वाले चले जाते हैं तो फिर जिसको मैसेज गिरा है उसको, जो पैसे देते हैं उसको करते हैं, नहीं तो मार के भगा देते हैं हम लोगों को। हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार कहती है पुलिस के हेल्प, पुलिस के मदद करो, आदर करो, सम्मान करो, लेकिन पुलिस वाले मजदूर के दर्द दुख समझ ही नहीं रहे हैं सर। हम लोगों को मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया।